पाकुड़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाली माल पहाड़ी धुलियान बाईपास सड़क की दुर्दशा का खामियाजा पत्थर व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों सहित राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की लेट लतीफी एवं लापरवाही का नुकसान न केवल कारोबार से जुड़े कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। इस सड़क ही नहीं बल्कि यहाँ पड़ने वाली प्यादापुर फ्लाईओवर ब्रिज पर भी दर्जनों बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्रक सहित अन्य वाहनों के चालकों को भी इसका भुगतान करना पड़ रहा है। ब्रिज में परेशानी ये है कि रास्ता पूरा खराब है वहाँ पर जी, सुधार तो होता नहीं कभी भी वहाँ पर। हम लोगों को यही नहीं, परेशानी भी पूरा होता है हम लोगों को वहाँ पर। तो हम लोग सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हम लोग वो रास्ता थोड़ा सही कर दे, ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो, रास्ता सही कर दे। खराब है हाँ। क्या हुआ था? वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया जी हाँ। कहाँ पर हुआ था तू? ये पुल पर चढ़ते पुल पर हुआ, दो गाड़ी ब्रेक डाउन। पुल में क्या, पुल का क्या स्थिति है? पुल का मत कहिए, ऐसा तो पुल देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण ही बीते 14 घंटे से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी दिखती है। बता दें कि इसी सड़क से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम सहित कई राज्यों को पाकुड़ से पत्थर, बीड़ी बड़े वाहनों से ले जाए जाते हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से खाने पीने के अलावा रोजमर्रा के सामान भी इसी सड़क से पाकुड़ होकर आते हैं। पाकुड़ जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाली यह माल पहाड़ी धुलियान बाईपास सड़क का फ्लाई ओवर ब्रिज है। करोड़ों रुपये से बनाया गया यह पुल इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आने वाले पत्थर से लदे ट्रकों के चालकों और मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई है। ये जो ट्रकों की लंबी कतारें लगी है, ये न ही किसी ने सड़क जाम किया है, बल्कि यह व्यवस्था जो समस्या खड़ी हुई है, यह सड़क में उभरे गड्ढों के कारण घंटों यहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रक खड़े हैं, इसलिए कि यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और इससे कई वाहन के कल पुर्जे टूट चुके हैं और सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चालकों और मालिकों का कहना है कि सरकार ध्यान नहीं देती है, पथ निर्माण विभाग ध्यान नहीं देता है, इसलिए प्रतिदिन इन्हें परेशानियों से जूझना पड़ता है। यदि सरकार और शासन प्रशासन ने इस सड़क की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में यह पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा और सरकार को करोड़ों रुपये के नुकसान तो होंगे ही, पत्थर व्यवसाय भी एक तरह से बंदी के कगार पर आ जाएगा। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी मीठू यादव के साथ राम प्रसाद सिन्हा।